नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक मूवी आ चुकी है, टाइम हो गया, टीनेट सिनेमा हॉल्स में आई है ये, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको चाहिए तो आपको ये किराए पर लेनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको मिलेगी। वो जब टीनेट करके आप सर्च मारेंगे तो आपको नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाता है कि आपको अगर बाई करनी है तो। ये मूवी बनाई हुई है क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा, स्टोरी उनकी है, डायरेक्शन उनका है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। क्रिस्टोफर नोलन की इससे पहले मैंने एक मूवी देखी इंसेप्शन, जिसमें डिकैप्रियो है, लियोनार्डो डिकैप्रियो क्या नाम उसका, वही है टाइटैनिक वाला। तो वो मूवी भी दिमाग से बाहर थी, ये मूवी भी दिमाग से बाहर है, मतलब बहुत शानदार है। अगर आप, उसमें दिखाया गया था ड्रीम के ऊपर, कुछ ड्रीम करते थे, इसमें दिखाया गया टाइम के ऊपर। तो क्रिस्टोफर नोलन की मैक्सिमम मूवी ऐसी होती है। एक मूवी जिसमें इरफान खान को लिया जा रहा था, इंटरस्टेलर करके मूवी है, वो मूवी भी क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा बनी है। तो वो मूवी भी अच्छी है, मैंने आधी देखी, आधी नहीं देखी वो, तो ये पूरी देखी और ये बहुत अच्छी मूवी है। मतलब इसमें इन्वर्जन दिखाया गया है कि इन्वर्टेड बुलेट बनाई गई हैं और इन्वर्टेड काम हो रहे हैं, मतलब टाइम में रह के टाइम में पीछे जाया जा रहा है, ऐसे है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टाइम मशीन बनी है, आप 1990 में चले गए या 1950 में चले गए, ऐसे नहीं है। इसमें दिखाया जा रहा है कि आप 2020 में ही हैं और 2020 में ही पीछे जा रहे हैं। आप कुछ कांड कर रहे हैं तो वो तुरंत पीछे कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जैसे हम DVD प्ले करते हैं ना, तो फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन होता है ना, उसमें रिवर्स हो रहा है, ऐसे ये दिखाया गया इसमें। तो 2 घंटे 29 मिनट कुछ सेकंड की मूवी है, देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, और दिमाग है भी तो भी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है। क्रिस्टोफर नोलन ही समझ सकते हैं इसको, या फिर क्रिस्टोफर नोलन की मेंटालिटी वाले लोग समझ सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो एक्टर्स में इसमें, जो एक्टर्स ने इसमें काम किया है, उन लोगों को भी शायद ही समझ में आई होगी, और आ गई होगी तो कोई बात नहीं, वो एक्टर्स हैं। इसमें 2022 में और ट्विलाइट जो मूवी थी उसकी 5-7-8 पार्ट हैं। रॉबर्ट पैटिंसन एक्टर है, और एक जॉन डेविड वाशिंगटन है, ठीक है, जॉन डेविड वाशिंगटन लीड है, प्रोटोगाइनिस्ट ऐसे करके उसका कोई नाम नहीं है, नायक बोलते हैं ना, प्रोटोगाइनिस्ट बनाए वो। और उस एक्टर का क्या है, पहले मुझे सीटी बंद करके, तो इसकी स्टोरी शॉर्ट में समझाता हूँ। इसकी स्टोरी क्या है, एक एजेंट है, स्पेशल एजेंसी होती है ना, सीक्रेट एजेंसी जैसे CIA FBI ऐसे, इनका एक एजेंट है, उसकी परीक्षा ली जाती है, परीक्षा में वो पास हो जाता है, उसको साइनाइड खाने को दिया जाता है, वो खा लेता है, बल्कि अपनी कंपनी की पोल खोलने की बजाय वो साइनाइड खा लेता है और बाद में वो बच जाता है। तो ये कहानी है, और फिर बाद में उसको एक मिशन पे भेजा जाता है, जो मिशन यही है कि ये कौन कर रहा है, कौन कि कौन वैज्ञानिक इसके हाथ में है, क्योंकि कुछ चीज़ें फ्यूचर से आई हुई होती हैं जो इनकी समझ से बाहर होती हैं। तो इसमें हमारी इंडियन एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया, और डिम्पल कपाड़िया के साथ में एक और एक्टर है, मुझे नाम नहीं पता है, उनका नाम फिल्म में संजय सिंह है, डिम्पल कपाड़िया नाम प्रिया सिंह है। तो संजय सिंह को मैंने देखा है दिल्ली क्राइम्स में, जो सैफ अली शाह के हस्बैंड बने हैं। मैंने देखा है जो Part 2 आई थी हैप्पी भाग जाएगी, उसमें वो जो चाइना में रहता है ना, बहुत बड़ा आदमी बना है वो, तो वो एक्टर भी बहुत अच्छा है, उसकी डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसका छोटा सा रोल है, लेकिन डिम्पल कपाड़िया का रोल है इसमें। तो ये डिम्पल कपाड़िया, एलिजाबेथ डेबलेक्सी, ये पता नहीं क्या नाम है वो, रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड वाशिंगटन ये लीड हैं, और कैनी करके एक एक्टर है जो विलन बना है, वो भी है इसमें, और एक माइकल करके एक बूढ़े से आदमी है जो बैटमैन के, अगर आपने देखा होगा तो क्या नाम है बैटमैन, जो बैटमैन डार्क नाइट और डार्क नाइट रिटर्न और बैटमैन बिगिंस, इन तीन मूवी में एक्टर है, बहुत सही नाम है, नाम भूल गया। उस एक्टर के साथ में वो उसके वो नौकर होते हैं ना, जो सर्वेंट मतलब पर्सनल असिस्टेंट की तरह वो बने, और ये जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में होते हैं, ये इंसेप्शन में भी हैं, तो ये भी हैं। तो ये मूवी बहुत कुछ सोच समझ के बनाई गई है, बहुत कुछ दिखा दुखी के बनाई गई है, आप देखेंगे मज़ा आएगा। फाइट सीन बहुत दमदार है, बिल्डिंगें टूट रही हैं फिर जुड़ रही हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं फिर जुड़ रही हैं, वो गोलियां चला रहे हैं फिर वो गोलियां वापस आ रही हैं बंदूक में, मतलब ऐसा है बंदूक से गोली चलाओ वो गोली वापस भी आ जाती है बंदूक में, तो ऐसा कुछ दिखाया गया है। मुझे उतनी समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन बवाल है, तो बवंडर काटा है इन्होंने मूवी बना के। तो मुझे लग भी ऐसे ही रहा था, तो मैं पगला सा गया था, ये मूवी मुझे देखने को मिले, फाइनली जाके मुझे देखने को मिली है,
तो इसका रिव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत शानदार है। अच्छा, अनुराग कश्यप की मूवी आई थी अभी, अनुराग कश्यप अनिल कपूर की, एक ही बरसे देखे, तो उसमें अनुराग कश्यप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई उसमें बोलता है ना कि डायरेक्टर के नाम से फिल्में चलती हैं, आप यूरोप में जाइए। तो अनिल कपूर बोलता है कि तू चला जाना यूरोप, तू यहाँ क्यों बॉलीवुड में, बॉलीवुड में तो एक्टर के नाम से चलती है। तो वही है, क्रिस्टोफर नोलन के नाम से ये मूवी चलेगी। ये मूवी में कौन स्टार है कौन एक्टर है लेना देना नहीं है, क्रिस्टोफर नोलन की काबिलियत, क्रिस्टोफर नोलन की वजह से ही मूवी चलेगी। मूवी बहुत शानदार है, बहुत झक्कास है, एक बार तो सबको देखनी चाहिए, समझ में आएगा कि क्या क्या सोचना पड़ता है मूवी में। आप इसमें कमी बाद में निकालेंगे, पहले आपको ये तो समझ लो बनाया क्या है, कमी तो तब निकालोगे। तो बहुत दमदार मूवी है, तो मुझे तो जितनी समझ में आई मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप देखिए और समझिए, फिर मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो मेरा रिव्यू यहीं पे होता है ख़त्म, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हो।